अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अपने अपने ब्रांड्स के नेम के साथ अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर ले आना, ठीक है। देन आपका एड अकाउंट और एड मेटा बिजनेस सूट बनेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको मेटा बिजनेस सूट समझाऊंगा और ऐड मैनेजर समझाऊंगा और इन दोनों का वर्क बताऊंगा कि इन दोनों पर होता क्या, एक्चुअल में हम ऐड कैसे रन करते हैं। तो कल के लेक्चर में ना, यानी आज जिस जिसने नहीं बनाया, ठीक है, अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया, वो क्रिएट कर ले ताकि वो भी हमारे साथ साथ आगे कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो कल आपने हर हाल पे ऐड चला कर आनी है सर, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि आपने ऐड बिजनेस सूट बनाना कैसे है, ठीक है। तो सबके तकरीबन पेजेस क्रिएट हो गए होंगे, सबके तकरीबन पेजेस क्रिएट हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ सबके पेजेस क्रिएट हो गए होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने मेटा बिजनेस सूट कैसे बनाना है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने लिंक करना है, सिंपल आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपने इसको लिंक कर लेना है, ठीक है। मल्टीपाई डॉट पी के लाइक ये एक ठीक प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपने सेम नेम के साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाना है, व्हाट्सअप का अकाउंट भी बनाना है और प्रोफेशनल जीमेल भी बनाना है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट्स बनेंगी, ठीक है। तो यार सिंपल आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके उन जो आपने जिस नेम से अपने ब्रांड के जिस भी ब्रांड के नेम से अपना वो बनाया होगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अकाउंट, आपने उसे जाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। लिंक्ड अकाउंट की ऑप्शन आ रही होगी, जैसे भी आपको शो कर दिखाता हूँ किस तरीके से। तो लिंक्ड अकाउंट में आपने सिंपल चले जाना है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, जैसे आपको ये कनेक्ट हुए नज़र आ रहे हैं, मल्टीपाई डॉट पी के कनेक्ट हुआ नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप पर मल्टीपाई डॉट पी के कनेक्ट हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपके भी कनेक्ट होने चाहिए। देन आपने दोबारा फेसबुक में आ जाना है, अपनी मेन पेज पर आ जाना है। अब पहले क्या होता था, अब कुछ लोगों का जो डैशबोर्ड है ना वो थोड़ा सा पुराना होगा, ठीक है, क्योंकि कल या परसों फेसबुक अपडेट हुई थी, तो ये अपडेट हो चुकी है मेरी वाली, ठीक है। तो पहले ये अपडेट नहीं थी, कल ये ऐसे नहीं थी, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करना है, आपने मेटा बिजनेस सूट में आ जाना है। अब मेटा बिजनेस सूट क्या है, सबसे पहले मैं मेटा बिजनेस सूट आप सबको समझा दूं कि मेटा बिजनेस सूट काम क्या करता है, ठीक है। तो उससे पहले ज़रा लॉगिन हो रहे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चले, अब हमारे पास मेटा बिजनेस सूट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो जब जैसे ही आपका वहाँ पर इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा, व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम साथ साथ दिखेंगे आपको। उसके बाद हम ऐड मैनेजर में बताऊंगा और ऐड अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बस यार 15 डेज के अंदर अंदर आपका ना ये लेक्चर्स ख़त्म कर दें, सारे के सारा कोर्स को एंड करें, ठीक है, जिस उसके ताकि आप लोग भी सेल्स जल्द से जल्द शुरू करें। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी बताऊंगा जिसके ऊपर आप कैंपेन चलाकर अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, ठीक है, आपका भाई है, आपको बताएगा सारा कुछ, किस जो जिसको जहाँ भी मसला आएगा उसको सारा कुछ गाइड किया जाएगा। तो यार सिंपल, अब मैं पहले आपको मेटा बिजनेस सूट समझा दूँ कि मेटा बिजनेस सूट होता क्या है। यार देखो, अगर बजाय कि हम फेसबुक का अलग डैशबोर्ड ओपन करें, इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड अलग ओपन करें, व्हाट्सएप को अलग ओपन करें, क्यों ना हम एक ही जगह पर इनको मर्ज करके वो मैसेजेस देख सकें, पोस्टें कर सकें, ठीक है, अपने सारा कुछ देख सकें, यहाँ से इनसाइट देख सकें कितनी हमने एड पे स्पेंडिंग की, अब यहाँ से देख सकें। तो बजाय कि हम अलग अलग बैठ कर एक काम वो काम करें, अलग अलग जवाब दें, हम एक जगह बैठ कर सब कुछ देख सकते हैं। लाइक आप नज़र आ रहा होगा फेसबुक पर अभी कोई फॉलोअर नहीं, कोई रिसेंटली बनाई है किसी का, तो अभी दो फॉलोअर हैं। जैसे आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे आपको नज़र आते जाएंगे, मैसेजिंग कन्वर्जन नज़र आ कन्वर्जन रेट नज़र आता जाएगा आपको, न्यू मैसेज कन्वर्जन रेट नज़र आएगा यहाँ पर। तो ये है मेटा बिजनेस सूट सर। अब बारी बारी मैं आप सबको समझाता जाता हूँ। अभी कुछ लोगों का यहाँ मोनेटाइजेशन भी नज़र आ रहा होगा, वो एक नया फीचर मुतारिफ़ करवाया, ठीक है, जिसमें यह क्या होता है कि आपकी अगर वीडियो ट्रेंडिंग में चलने लग पड़ती है, ठीक है, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, लाइक जैसे यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। एक तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि आपके ऐड पर व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हम पेड पैसे देकर ऐड चला रहे हैं, व्यूज़ तो आ ही नहीं होंगे। इससे ये होगा कि आपके पेज पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, मोनेटाइजेशन होगी तो पेज से अलग पैसे, प्रोडक्ट को जो सेल करोगे उससे अलग पैसे, ठीक है, हर तरफ से पैसे ही पैसे। तो यार इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनबॉक्स। अब इनबॉक्स क्या है, ठीक है, इसके बीच इनबॉक्स में हमारे जो इंस्टाग्राम फेसबुक के जितने भी मैसेज आएंगे, बजाय हम अलग पहले जाके फेसबुक पर चेक करें, ठीक है, अलग जाके हम इंस्टाग्राम पर चेक करें कि किस किस ने हमें मैसेजेस किए हैं, किस किस ने हमें मैसेजेस नहीं किए, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप का आप नहीं देख सकते यहाँ पर, व्हाट्सएप के आपको लेते ही रखने पड़ेंगे। लाइक अभी आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर उनके किस जो फेसबुक पर मैसेज किया हुआ है वो यहाँ पर आ गए, इंस्टाग्राम पे जो मैसेज किया हुआ है यहाँ पर आ गए। हम एक ही जगह पर बैठ के, एक डैशबोर्ड पर बैठ के हम रिप्लाई कर सकते हैं हर किसी को, फेसबुक के कमेंट का जवाब दे सकते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट पढ़ सकते हैं, सब कुछ हम एक ही जगह पर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यार आपका प्लानर। अब ये प्लानर क्या काम करता है, ठीक है, प्लानर ये होता है कि यार जब कोई भी इवेंट आता है, हम कहते हैं यार इस इवेंट पे हमारी कैंपेन चलनी चाहिए, तो हम एडवांस ही कैंपेन चला लेते हैं। लाइक अब 30 जनवरी को कोई कैंपेन है, वो आ रहा है, इवेंट आ रहा है, ठीक है, उसके लिए कैंपेन पहले ही रन बना के रख लेंगे। जैसे ही 30 जनवरी आएगी इस पर 20% ऑफ दे देगा, और अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर वैसे हम देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी
20% ऑफ दे देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी कैंपेन चल पड़ेगी, आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। तो ये है पोस्ट एंड स्टोरीज, आप अपनी यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी आपने पोस्टिंग है, कितने अब तक आपने स्टोरीज सेंड किया, आपके एड्स चल रहे हैं, कितने एड्स चल रहे हैं पोस्ट पे, कितने चल रहे हैं स्टोरीज पे, कितने एड्स चल रहे हैं, तो सारा कुछ यार आप यहाँ बैठ कर देख सकते हो। लाइक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, आप देख सकते हो कितने अकाउंट रीच हुए हैं, ठीक है, 18 अकाउंट हुए हैं, 20 अकाउंट रीच हुए हैं, ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पर, आप सारा कुछ देख सकते हो यहाँ से। देन आ जाते हैं हमारे इनसाइट्स, ठीक है। इनसाइट्स क्या होते हैं? इनसाइट्स में हम अपने सारा कुछ देख रहे होते हैं कि यार इस टाइम हमारे हमारी कितनी स्पेंडिंग हो चुकी है अपने ऐड अकाउंट पे, ऐड्स पे कितनी स्पेंडिंग हो चुकी है, कितने लोग अब तक आ चुके हैं, ठीक है, कितने विजिटर्स आए हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, कितना कितने लोगों ने हमारे पेज के साथ इंगेज किया, ठीक है, इनकेस अगर आपके यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगती है, और कितनी ऑडियंस है, क्या रिजल्ट चल रहा है, क्या ओवरव्यू है, सारा आप यहाँ से देख सकते हो। ये वीडियोज़ के जरिए आप अर्निंग भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था मोनेटाइजेशन का। तो कुछ लोगों का फीचर बाहर नजर आ रहा होगा, कुछ लोगों को ये फीचर अंदर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यार अगर इनकेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपकी लगते तो सबसे पहले आपको यहाँ शो हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन का। आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट साइड की और बैक साइड की आईडी कार्ड की कॉपी फेसबुक को सबमिट करवानी है। तो 24 आवर के बीच रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। अगर परमानेंट रिस्ट्रिक्शन हट जाए तो उसका कोई हल नहीं है, उसको आपको दोबारा ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आज का जो लेक्चर होगा उसके बीच में आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन से भी बच सकते हो, ठीक है, सिंपल यार। उसके बाद ये बिजनेस मैनेजर कुछ लोगों का नहीं शो हो रहा, कुछ लोगों का शो हो रहा होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। हम अब आते हैं अब आके ऐड अकाउंट की तरफ, ऐड मैनेजर की तरफ, कि आपने ऐड मैनेजर किस तरह बनाना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, ऐड मैनेजर के बीच भी अपने व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाजमी कनेक्ट करना है, उसके बगैर आपकी एड्स नहीं चलेंगी, ठीक है। और कल जो लेक्चर होगा, कल जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर के बीच आप लोग अपनी एड्स रन करके आएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आपने एड्स कैसे रन करनी है, उससे पहले जरा लोडिंग हो जाए नेटवर्क का, मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पर। तो यार अब हम आ चुके हैं अपनी ऐड मैनेजर की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी अपने पर्सनल ऐड अकाउंट के ऊपर, आपने ऐड नहीं रन करनी। अगर ऐड रन करेंगे तो क्या होगा, उससे वो ख़राब हो जाएगी, मतलब आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपकी पर्सनल प्रोफाइल उड़ जाएगी, ठीक है, वो एनी थिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी है, आपने सेपरेट ऐड अकाउंट बनाना है। आप देखें इसके यहाँ पर सेपरेट ऐड अकाउंट बने होंगे, थोड़ा सा नेट का इशू है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यार अब हमने ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आल टूल में जाना है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर बिजनेस सेटिंग नज़र आ रही होगी, सबको नज़र आ रही होगी बिजनेस सेटिंग, तो यार आपने बिजनेस सेटिंग में आ जाना है। बिजनेस सेटिंग में आप जैसे ही आएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन लाजमी कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो आप लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सेम नेम से आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, सेम नेम से आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, और सेम नेम से प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल लाइक multiply.pk@gmail.com ऐसे है, तो इस तरीके से आपके नीचे 1, 2, 3 वाली हरकत किसी ने नहीं करनी कि multiply.pk@gmail.com, तो ये वाली हरकत बिल्कुल किसी ने नहीं करनी। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी प्रोफेशनल ईमेल नहीं बनानी, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल। तो अब आते हैं हम इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, ठीक है, और मैं बताऊंगा भी आप रिस्ट्रिक्शन से कैसे बच सकते हो। जो आपके अकाउंट्स पर अक्सर बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आते होते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लग गई हमारे ऐड अकाउंट पर, इसका कोई हेल्प बताओ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह भी आपको बताऊंगा, क्यों लग जाती है आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन। तो यार सेम एज इट इज़, यहाँ पर भी आपने कनेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम को, जो पहले वहाँ पर कनेक्ट करके आए हो, सेम आपने यहाँ पर भी कनेक्ट करना है। देन आपने व्हाट्सएप को भी एज इट इज़ कनेक्ट करना है यहाँ पर। अब आ जाते हैं आपके ऐड अकाउंट की तरफ, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। देन कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का पिक्सेल कैसे इंस्टॉल होगा, लेकिन कल आप सबसे पहले कैंपेन्स वगैरह रन करके आएंगे, मैं आपको बताऊंगा भी आपने कैंपेन कैसे रन करनी है। तो यार सिंपल देखो, यहाँ दो ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना रखे हुए मैंने, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरीके से ऐड अकाउंट बनाना है, क्रिएट ऐड अकाउंट कुछ भी रख लेना, अपने ऐड अकाउंट का नाम एशिया कराची टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना, करेंसी पाकिस्तान, आपसे पूछेगा फॉर माई बिजनेस, ठीक है, क्लाइंट बिजनेस के लिए नहीं करना, फॉर माई बिजनेस करना है आपने। उसके बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है, पेमेंट मेथड ऐड करके आपका ऐड अकाउंट हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। ऐड अकाउंट क्रिएट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऐड मैनेजर में अब आ जाना है, ठीक है, सिंपल आप लोगों ने आ जाना है अपने ऐड मैनेजर के बीच, ठीक है। ऐड मैनेजर में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप पर आपको आपके एड्स अकाउंट शो हो जाएंगे। आप एक याद रखिएगा, आप एक ऐड मैनेजर के बीच 5 ऐड अकाउंट बना सकते हैं एट अ टाइम, 5 ऐड अकाउंट पर एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाए। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है, पर्सनल ऐड अकाउंट है, इस पर कभी भी कैंपेन रन नहीं करते। ये तो उसके जो ऐड अकाउंट है जो हमने क्रिएट किया है, जिसमें पिक्सेल इंस्टॉलेशन हुई हुई है प्रॉपर, देन उसकी कैंपेन रन होती है। अब आप लोगों ने कैंपेन कैसे चलानी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक बना रखी थी, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सेल्स कैंपेन क्या होती है,
अवेयरनेस कैंपेन क्या होती है, ट्रैफिक कैंपेन क्या होती है, तो ये तो थोड़ा सा एंड्रॉइड नेटवर्क का इशू आता है ना, इसकी वजह से थोड़ा गुस्सा भी बंदे को चढ़ता है। खैर तो यार उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अवेयरनेस की क्या होती है, ट्रैफिक कैंपेन क्या होती है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो यार ये देखें सिंपल, आप लोगों ने क्रिएट पर आ जाना, आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी ट्रैफिक अवेयरनेस लीड और सेल्स की कैंपेन। आप लोगों ने सेल्स की कैंपेन नहीं चलानी, ठीक है, सेल्स की कैंपेन के लिए आप लोगों की वेबसाइट होना लाजमी है, ठीक है, वेबसाइट होगी तो आपकी कैंपेन रन होगी, तब ही आप अपनी वेबसाइट पर सेल ला सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग आईडी इंस्टॉल होती है। आम कैंपेन्स जो आपके पेजेस पर चलती हैं, ठीक है, उसमें ट्रैकिंग आईडी इंस्टॉल नहीं होती है, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने अवेयरनेस क्या होती है, अवेयरनेस अपने ब्रांड, कोई भी ब्रांड एक खुलता है मार्केट में अपनी, सबसे पहले आगा ही देता है कि यार आओ हमारे पास, आओ हमारी शॉप पर, हमारी नई नई मार्केट ओपन, दुकान ओपन हुई है, ठीक है, मॉल ओपन हुआ है, ठीक है, आओ विजिट करो, तो यही होती है अवेयरनेस। और देन ट्रैफिक हम चलाते हैं एड्स के लिए। देन आ जाती है हमारी इंगेजमेंट, इंगेजमेंट में फॉलोअर्स, लाइक, व्यूज लेने के लिए, यानी अपने फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए होती है। और याद रखना 500 से 600 रुपए की आपने चलानी है, और मिनिमम 2 दिन आपने ये कैंपेन चलानी है अवेयरनेस की और एंगेजमेंट की, ठीक है। लीड्स क्या होती है, लीड्स की आपको जरूरत नहीं है, मैसेजेंस के लिए होती है, कन्वर्जन लाने के लिए होती है, कॉल्स करने के लिए होती है लीड्स, फारा इसको आपने छेड़ना भी, ऐप प्रमोशन होता है, लाइक उन्हें ऐप पर नाटिकॉन्स को इंस्टॉलेशन करवाने के लिए फिर हम उसकी प्रमोशन करते हैं, तो ये उसके लिए होती है। सेल्स कैंपेन आप लोगों ने अभी नहीं चलानी जब तक आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने अवेयरनेस की चलानी है और एंगेजमेंट की चलानी है। और याद रखना एक ऐड अकाउंट पे आपने जस्ट 2 कैंपेन चलानी है, ठीक है। तो अब कैंपेन कैसे चलानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यार आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, अवेयरनेस की कैंपेन पे आ जाना है, यहाँ अपनी कैंपेन का कोई भी नाम रख लेना है, अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सीबीओ चलाओगे तो सीबीओ रखना इसके नाम के आगे, ठीक है, रेव्यू चलाओगे रेव्यू रखना, ताकि आपको पता लगता रहे कि एबीओ चलाई है कि सीबीओ चलाई है आपने, ठीक है। अब एबीओ सीबीओ क्या होता है, ठीक है, एबीओ होता है एडवांस बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एडवांस कैंपेन बजट, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है, और सीबीओ होती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एडसेट जो एडसेट में हम जो एबीओ में होता है एडसेट में बजट लगाते हैं, और सीबीओ में हम कैंपेन में बजट लगाते हैं। लेकिन सीबीओ चलानी है, अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे ना तो आपने सीबीओ चलानी है, ठीक है, इसे ऑफ कर दोगे तो ये एबीओ में चले जाएगी, इसे ऑन कर दोगे तो ये सीबीओ में चले जाएगी, ठीक है। आपने जस्ट 525 रुपये का बजट सेलेक्ट करना है, शुरू में आपने कोई भी टारगेट नहीं, ऑडियंस को टारगेट नहीं करना, ठीक है, आपने अवेयरनेस की कैंपेन चला देनी है 500 रुपये की, सिंपल आपने कैंपेन चलानी है, मिनिमम 1.5 दिन की कैंपेन चलानी है, और सीबीओ कैंपेन चलानी है अवेयरनेस और ट्रैफिक के लिए और इंगेजमेंट के लिए। एबीओ नहीं चलानी है आपने, क्योंकि एबीओ अच्छा रिजल्ट नहीं देती, सीबीओ बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एबीओ हम चलाते हैं सिर्फ सेल्स कैंपेन के लिए, वो आज के कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यार अब बारी आती है एबी टेस्ट, अब एबी टेस्ट क्या है, एबी स्प्लिट टेस्ट होता है यार, हम एबीओ कैंपेन भी चलाते हैं, सीबीओ कैंपेन भी चलाते हैं, उसमें हम डिफरेंस देखने के लिए कि कौन सी कैंपेन हमें अच्छा बजट, अच्छा कन्वर्जन ला कर दे रही है, तो फिर हम अच्छी वाली जो कन्वर्जन ला के दे रही होती है, और जो अच्छी नहीं ला रही होती है उसको हम क्या नाम है, उस कैंपेन को हम ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा न्यू अवेयरनेस एड सेट। अब इनमें 3 सेट होते हैं, ठीक है, पहला होता है कैंपेन लेवल, ठीक है, एड सेट लेवल, देन एड लेवल, ठीक है। अब अवेयरनेस के लिए तो सारी बात आपकी फेसबुक पेज पर ही कैंपेन चलेगी, इसके अलावा आपकी किसी पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे कैंपेन चलेगी आपकी, ठीक है। एज आपने 18 से 45 साल कर देनी है, ऑल जेंडर कर देनी है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग का आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है, जो कल लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा डिटेल टारगेटिंग आपने कैसे करनी है। मैनुअल प्लेसमेंट पर चले जाना है आप लोग, मैनुअल प्लेसमेंट पर ऑल डिवाइसेस कर देनी है, ठीक है। यहाँ आपका दिल करे आप खाली इंस्टाग्राम पे चलाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, वो सेल्स कैंपेन में पता लग जाएगा, क्योंकि अभी अवेयरनेस जो होती है हमेशा फेसबुक पे चलती है, इसमें फिर अपनी मर्जी मुताबिक आप रख सकते हो, सिलेक्ट स्पेसिफिक जगहों पर आपने दिखानी हो ऐड तो वो दिखा सकते हो, और ऑडियंस आपकी ब्रॉड ही रहेगी, आप ऑडियंस का साइज देख सकते हो, 44 लाख से अबव है। तो यार देखो फिर ये भी कैंपेन उस सूरत में चलेगी जब आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट होंगे, ठीक है। देखो जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर आके अपना कोई भी क्रिएटिव यूज़ कर लेना है, ठीक है, लाइक कोई भी आपने क्रिएटिव यूज़ कर लेना है, एडा मीडिया कर लो। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि SEO क्या होती है, या कुछ अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ कर लो, कुछ अच्छे इमोजेस का यूज़ कर लो, 40% ऑफ दे दो, वही SEO को देकर कस्टमर आपके स्टोर पर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रैकिंग आईडी यार जो होती है वो जस्ट यहाँ पर तो सेटअप है बिकॉज वो सेल्स कैंपेन के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग आईडी की यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल यार कल जब आने से पहले, जब कल आप लोग लेक्चर लेने से पहले यार आप लोगों ने अपनी कैंपेन रन करके आनी है अवेयरनेस और ट्रैफिक की, ठीक है। किसी को कोई इशू आए तो मुझसे फ्रीली पूछ सकता है, तो काइंडली कल यार आप लोग एक काम करके आएँ ताकि हम आगे चल सकें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने एड्स कैसे चलानी है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारा काम करना है। कल आप लाजमी आइएगा, ठीक है, लेक्चर अटेंड करेंगे। यार कुछ लोग होते हैं लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, बारी बारी आते हैं, अरे एक ही टाइम पर आया करो यार क्लास के बीच, और अटेंड कर लिया करो लेक्चर। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है, आप अपायर भी तो इंस्टीट्यूट पर जाके 50-50, 60-60 हज़ार रुपया दे रहे होते, लाख लाख दे रहे होते सिखाते, वो भी कुछ नहीं है। हम तो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, आपका आपको 24 आवर सपोर्ट दे रहे हैं, वो तो आपको सपोर्ट भी नहीं देते। या तो काइंडली यार लेक्चर अटेंड किया करो, ऐसे ना किया करो, ठीक है। आप लोग कमाओगे यार हमें खुशी होगी, सीरियस बात है। तो कल जो मैं आपको जो काम दिया आप लोगों ने, कल लाजमी करके आना है, ठीक है। तो यार अब होता है लेक्चर का टाइम एंड, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।